वहीं लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस मामले में दो गैंग्स की भूमिका सामने आई है, पूरी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बंगला बाजार में कल तिरंगा यात्रा को लेकर जो हिंसा हुई उसके पीछे दो गुट नहीं बल्कि दो गैंग का हाथ था। सीसीटीवी में मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीर कैद होने के बाद जांच में जो खुलासा हुआ उससे पता चला कि ये झगड़ा हजारी गैंग और किंग ऑफ लखनऊ गैंग के बीच हुआ था। इन दोनों गैंग में पिछले कई साल से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व का जुनून आजादी के अमृतकाल अभियान में भी दिखा और तिरंगा यात्रा में अपना दबदबा दिखाने के लिए दोनों गैंग ने बांग्ला बाजार में जमकर तोड़फोड़ की। बांग्ला बाजार में कल तिरंगा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी जो हुई उसमें दो गुटों का नाम सामने आया। पहला जो गुट था सोनू रावत और चाउमीन के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा जो गुट था वो वीर यादव किंग्स ऑफ लखनऊ। ये जो दोनों गुट है ये काफ़ी समय से तेलीबाग और बंगला बाजार में वर्चस्व की जो लड़ाई है उसको लेकर इन दोनों गुटों के बीच में काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही है और कल इसी रंजिश का नतीजा ये हुआ कि बंगला बाजार में पत्थरबाजी की गई।